नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। मुरादाबाद की अदालत से जयप्रदा को समन। एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना था, अब 17 को होगी सुनवाई। मकर संक्रांति स्नान पर्व शुरू। आधी रात से भक्त गंगा घाट पर पहुंचने लगे, 5,000 पुलिस वाले सिक्योरिटी में तैनात। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग को लेकर धरना जारी। रेजिडेंस बोले सोसाइटी में इन्हें एंट्री नहीं, जिन्हें ज्यादा प्यार वो अपने घर में पालें। मेरठ में फिर दिखा तेंदुआ। शहर के अंदर कीर्ति पैलेस इलाके में घुस रहा, एक्सपर्ट मान रहे नाले के सहारे चलता हुआ यहां पहुंचा। लखनऊ में बढ़ेगा ऑटो का किराया। लखनऊ ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर्स संघ उठाई मांग, प्रति किलोमीटर पर करीब 6 रुपए की बढ़ोतरी की तैयारी। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में युवक की मौत, दोस्त घायल, दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, पुलिस ने घायल को कराया भर्ती। प्रयाग स्टेशन पर होगा मुंबई रूट की ट्रेनों का ठहराव। इस स्टेशन से गुजरने वाली 39 ट्रेनों के ठहराव की तैयारी, बोर्ड भेजा गया प्रस्ताव। हापुड़ पुलिस दोषियों को सजा दिलाने में मंडल में प्रथम। 42 मामलों में 100 ज्यादा गुनहगारों को दिलाई सजा, सबसे ज्यादा आजीवन कारावास। गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, दो दिन मनाई जा रही मकर संक्रांति। आचार्यों के मुताबिक मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त कल। हरदोई में पत्नी ने की पति की पिटाई, 30 सेकंड में 15 डंडे मारे, सास और ननद ने भी दिया साथ। ललितपुर में फांसी पर लटका मिला युवक, पिता बोले हत्या कर लटकाया गया, शव घर से बुलाकर ले गया था ग्रामीण। प्रतापगढ़ के जवान की शहादत के बाद गांव में मातम, सीएम ने की 50 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी की घोषणा। कौशाम्बी में ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत, 30 मिनट तक केबिन में फंसा रहा ट्रेलर चालक, सड़क पर लगा जाम। त्रिवेणी एक्सप्रेस में छात्रा से सिपाही ने की छेड़छाड़, बोगी में अकेला पाकर छात्रा को छूने लगा, चिल्लाने पर उसका बैग ट्रेन से नीचे फेंका। हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म में 7 साल की कैद, कोर्ट ने 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना, साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी बरी। गोवर्धन में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने पकड़ा दो बदमाश, बाइक छोड़कर फरार। मिर्जापुर में 25 लाख की चोरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के घर से सोने चांदी के गहने और सामान ले गए चोर, पिता का इलाज कराने गए थे गुड़गांव। कोहरे के बीच जमानिया में रुका क्रूज, गंगा विलास सुबह 10 बजे हमीद सेतु पर पहुंचेगा, भ्रमण करेंगे सैलानी। इटावा में दंपत्ति से मारपीट में मुकदमा दर्ज, एडीजी कानपुर ने वीडियो पर लिया संज्ञान, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फेसबुक पर लव यू जानू लिखकर युवक ने की दी जान, स्टोरी पर लिखा 22 को नहीं आज ही मरने वाला हूं, विद्यालय के पीछे लगाई फांसी। उन्नाव में लंबित मामलों
का होगा निस्तारण। शिकायतों की बनाई जा रही 3 श्रेणियां, एसपी बोले विवेचना में देरी से कम होता है भरोसा। फिरोजाबाद में धूमधाम से मनाई लोहड़ी, शबद कीर्तन कर सुखी जीवन की प्रार्थना, पारंपरिक गीत संगीत और ढोल नगाड़ों ने जमाया रंग। अमेठी में पालिका कर्मियों की दबंग गई, मानक विहीन काम का विरोध करने पर की मारपीट, महिला समेत 2 लोग घायल। गौतम बुद्ध नगर में कंपनी से डीजल चोरी करने वाला गिरफ्तार, सीनियर मैनेजर ने रंगे हाथ पकड़ा, डीजल भरे 4 केन बरामद। मथुरा पुलिस को मिली सफलता, 23 वर्ष से फरार लुटेरे को मथुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, वर्ष 2000 में लूटा था मेहंदी से भरा ट्रक। यूपी ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। चंदौली में ओएचई तार टूटने से अप व डाउन का परिचालक पूरी तरह से बाधित, राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें हुई खड़ी, ट्रेन परिचालक बाधित होने से यात्री परेशान। बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा को बड़ी राहत, 11 साल पुराने मुकदमे में अभिजीत सांगा बरी, बिठूर थाने में दर्ज मुकदमे से हुए बरी। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगो हाथ, लेखपाल गिरफ्तार, पैमाइश के लिए रिश्वत के रुपए बरामद। कानपुर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद, चोरों के गिरोह ने मंदिर को बनाया निशाना, करीब 20 लाख की ज्वेलरी और चोरों ने किया हाथ साफ। औरैया में रेडीमेड की 2 दुकानों में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर में युवक की चाकू मारकर हत्या, शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। औरैया में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, दबंगों का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर फिर गरजा केडीए का बुलडोजर, कॉलोनी में 2 दिन पूर्व पथराव कर खदेड़ी गई थी बीडीए की टीम। औरैया में पलटे ट्राला में पीछे से घुसे बाइक सवार, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले हमारी सरकार जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रही है। औरैया में किन्नर ने हाईवे पर किया हंगामा, ट्रैफिक पुलिस और एक किन्नर का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व सामाजिक राजनीतिक हस्तियां भी रहे मौजूद। सपा विधायक इरफान सोलंकी के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने के मामले में वकील ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा आधार कार्ड पुलिस ने प्रस्तुत किया। लखीमपुर खीरी में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में युवक की सरकुचल कर दी गई हत्या, आबादी क्षेत्र में शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। हाईकोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष पर सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 21 फरवरी को।
संभल में सेंट्रो कार में अचानक से लगी आग, आग लगने से कार जलकर हुई राख, कार में आग लगती देख ग्रामीण व राहगीर इकट्ठा हो गए। रायबरेली में मकर संक्रांति पर बच्चों से लेकर युवाओं तक पतंग को लेकर दिखा उत्साह, मार्केट में मोदी की पतंग की डिमांड, हर बच्चे यही पतंग मांग रहे हैं। अयोध्या में अंग्रेजी शराब के दुकानदार को उधार शराब ना देना पड़ा महंगा, दबंगों ने शराब दुकानदार कनौजिया को मार कर किया लहूलुहान। बुलंदशहर में करोड़पति ग्राम प्रधान ने किया श्रमिक विवाह योजना का लाभ, फर्जी ढंग से योजना का लाभ लेकर भी प्रधान की बेटी का नहीं हुआ विवाह। गैंगस्टर मामले में इरफान से जेल में होगी पूछताछ, विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्वीकार की अर्जी। बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से किसान परेशान, किसानों ने दर्जनों आवारा गौवंशों को पकड़ कर स्कूल में किया बंद। उत्तर प्रदेश सरकार पर हाई कोर्ट लगाएगा 25,000 का जुर्माना, 7 साल से लंबित मुकदमे दाखिल नहीं करने को लेकर लगाया हाई कोर्ट। बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ दो युवकों का वीडियो वायरल, अवैध तमंचा हाथ में थामे दिख रहा एक युवक, जांच में जुटी पुलिस। अड़तालीस घंटे की छापेमारी में इनकम टैक्स को मिली 30 करोड़ की टैक्स चोरी और 1 करोड़ कैश ट्रांसपोर्ट, नगर में सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी में हुई थी छापेमारी। जेल में बंद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की ओर बढ़ी मुश्किलें, जेल प्रशासन ने याकूब कुरैशी से मिलाई पर लगाई रोक। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली महिला गिरफ्तार, किशोरी को घर में बंधक बनाकर दबाव, धर्म परिवर्तन बनाने का आरोप। सोनभद्र में बाबूराम महाविद्यालय कॉलेज बस और ट्रक में हुआ टक्कर, हादसे में 10 बच्चे घायल, कॉलेज बस में सवार थे 30 बच्चे। सरोजनी नगर विधायक की सराहनीय पहल, विधायक राजेश्वर सिंह ने दिव्यांगजनों के उपकरण करेंगे वितरित। उन्नाव में विचित्र बुखार से ग्रसित 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत, मौत के बाद जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। डॉक्टर अमित नायक की मौत का गहरा राज, पोस्टमार्टम में मौत की वजह अभी तक नहीं स्पष्ट, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। संबल में कूड़ा स्थल के निर्माण में दिखा भ्रष्टाचार, कूड़ा स्थल के निर्माण प्रयोग हुई घटिया सामग्री। लखनऊ में पतंग महोत्सव का हुआ आयोजन, महोत्सव में पहुंची मेयर संयुक्ता भाटिया, स्वच्छ विरासत अभियान के तहत हो रहा कार्यक्रम। रायबरेली पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपाइयों ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। पीलीभीत में टाइगर का मॉर्निंग वॉक, गेहूं के खेत में घूमता नजर आया, खेतों की तरफ गए ग्रामीणों ने मोबाइल से बनाया वीडियो। गाजियाबाद का गैंगस्टर सरफराज को एसटीएफ ने दबोचा, दिल्ली में मूसा की हत्या की, गाजियाबाद में पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। इटावा में मकर संक्रांति पर दिव्यांगों को बांटे व्हील चेयर, 300 लोगों की बनाई गई थी लिस्ट, कई खाली हाथ लौटे।
शाहजहांपुर में मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। मंत्री सुरेश खन्ना बोले, जो लोग दान करते हैं समाज में उनका विशेष स्थान बनता है। रायबरेली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस हत्या व आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी, परिजनों से पूछताछ जारी। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, कैंसर पीड़ित महिला के प्लाट पर जबरन किया कब्जा, पुलिस ने नहीं सुनी महिला की पुकार। रायबरेली में समाज सेवी नेता शंकर लोधी का सराहनीय पहल, शंकर लोधी ने पूरे सोमवंशी गांव में गरीबों को किया कंबल वितरण। अमरोहा में आवारा पशुओं से परेशान किसान, कांग्रेसियों ने डीएम को दिया ज्ञापन, कहा जल्द नहीं हुआ समाधान तो होगा आंदोलन। ललितपुर में पूर्व पार्षद को लाठी डंडों से पीटा, नकाबपोश बदमाशों ने ढाबे में रखे पैसे व मोबाइल लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमेठी में निकला 10 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हापुड़ में गरीब रथ ट्रेन में युवक का मिला शव, बिना टिकट कर रहा था सफर, आधार कार्ड पर मिला बिहार का पता। बीजेपी की बैठक समाप्त, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दावा, बोले विधान परिषद की 5 सीटों पर भारी मतों के साथ विजयी होंगे। कानपुर में चल रहा है नशे का काला कारोबार, चौराहे पर पिकेट पॉइंट के बाद भी खुले में पिलाई जा रही शराब। महाराजगंज में लद्दाख का नागरिक गिरफ्तार, नेपाल से ला रहा था चांदी के 8 दिए, पैदल भारत आ रहा था आरोपी। प्रयागराज में लैब टेक्नीशियन पर हमला, घर से ड्यूटी जाते समय बाइक सवार दो बदमाशों ने मारी गोली, पिता बोले नहीं है किसी से दुश्मनी। जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।